हेलो बच्चों, आज टॉपिक दिख रहा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए, अभी तक जो हम इंटीग्रल पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा था एक्स पावर एन, माना एक्स पावर एन उसका इंटीग्रल हम पढ़ते थे कि एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ई टू पावर एक्स है, तो आप ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स पढ़ते थे। अभी मान लिया, कुछ पहले फॉर्मूले देख लीजिएगा कुछ, तब हम बात करते हैं, क्योंकि हमको इंटीग्रल टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कॉसेक एक्स का बताना है, क्योंकि हमने साइन कॉस का पढ़ा है लेकिन टेन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो यही बताने हैं। लेकिन पहले कुछ समझ लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इंटीग्रेट करिए एक्स पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप कहते थे एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, प्लस सी तो रहेगा ही प्लस सी। लेकिन अगर हम एक्स टू पावर एन की जगह हम कह दें कि ए एक्स प्लस बी टू पावर एन है, अगर ऐसा बोल दें, मतलब ये जो आपका एक्स है वो एक लीनियर फंक्शन हो गया। लीनियर फंक्शन मतलब होता है एक्स की डिग्री वन होनी चाहिए, चेंज हो जाएगा तो मेथड चेंज हो जाएगा, तो अब तो लफड़ा हो गया, ये तो एक्स होना चाहिए था। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो ए एक्स प्लस बी होता है ना, ये फेयर वर्क है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है टी टू पावर एन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो हो गया टी का फंक्शन, इंटीग्रेट करना एक्स के रेस्पेक्ट में। अब भाई एक्स के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो फंक्शन भी तो एक्स का ही होना चाहिए, तो ये तो टी के रेस्पेक्ट में होगा। तो अब देखिए यहां करते क्या है, जब यहां ए एक्स प्लस बी मान लेते हैं तो अब इसको आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि dx चाहिए हमको, ठीक है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं ax का इंटीग्रल a हो जाएगा और b का इंटीग्रल, सॉरी ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहां क्या लिखेंगे dt by dx, तो ये आएगा a dx is equal to dt। इस स्टेप को आप ओमिट कर दीजिए, इसको आप ना लिखा करिए, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, जहां x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वहां dx लिखना है, जहां t के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वहां dt लिखना है। तो ax का डिफरेंशिएशन a, वहां dx लिख दिया और t का डिफरेंशिएशन में dt लिख दिया। यहां से हमने क्या निकाल लिया, यहां से dx निकाल लिया 1 अपान a dt। तो हमने यहां dx को क्या लिख दिया, 1 अपान a dt, 1 अपान a बाहर हो गया, यहां अंदर क्या बचा t की पावर n, किसके रेस्पेक्ट में dt के रेस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा t टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, अब t का मान रख दो तो क्या आएगा ax प्लस b टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। आपने क्या देखा कि बिल्कुल एज इट इज x की तरह ट्रीट हो रहा है, केवल x के का जो कोफिशियंट है a, ये 1 अपान a आ गया। जैसे डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा कि जब x की जगह ax प्लस बी होता था तो a बाहर आ जाता था, यहां अपान में आ जाता है, इतना आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए कहा गया प्रतिस्थापन कर दिया आपने, सब्स्टिट्यूट कर दिया कोई और चीज। लेकिन ये अभी वही केस हम बता रहे हैं जहां x की जगह ax प्लस बी आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप जितने आपने फार्मूले पढ़े हैं पिछले एक साइड में, उसमें हर फार्मूले में x की जगह ax प्लस बी कर दीजिए। देखिए, जैसे हमने कहा कि भाई अगर मैं ईट पावर एक्स को इंटीग्रेट करूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे ईट पावर एक्स का इंटीग्रेशन ईट पावर एक्स होता है, ठीक है। लेकिन मान लिया मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमने कहा एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है, एक्स की जगह जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है, हमने कहा साइन एक्स स्क्वायर, आपने कहा एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया, उसको हटाना पड़ेगा। हमने कहा ईट पावर एक्स, फिर कहा ईट पावर ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की जगह हमने कोई चीज लिख दी है, उसको हमने टी एज्यूम कर लिया, यहां से डी एक्स निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ईट पावर टी, और डी एक्स क्या हो गया डी टी अपान ए, ये वन अपान ए बाहर हो गया, ईट पावर टी का इंटीग्रल ईट पावर टी होता है, टी का मान रख दिया, वन अपान ए ईट पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो अब समझ लीजिएगा, जितने आपने फॉर्मूले 10-15-20 पढ़े हैं उसमें x की जगह अगर ए एक्स प्लस बी हो, x की जगह केवल ए एक्स प्लस बी, ए एक्स मतलब 2x+4 या 2x+5 कुछ भी हो, x की डिग्री 1 होनी चाहिए, तो यहां 1 अपान a बाहर हो जाएगा,
ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, इतनी छूट आपको है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स के इंटीग्रल कैसे होते हैं। जब केवल टेन एक्स का आएगा तो आप टेन एक्स का इंटीग्रल प्रूफ करके दिखाएंगे, और अगर कहीं अप्लाई करना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जरा सावधान देखिए ध्यान से। हमने कहा इंटीग्रल में एक खास बात है, इंटीग्रल जो होता है वो इंटीग्रेबल करना पड़ता है। जैसे कोई रिश्तेदार आएगा, आपके मामा जी आ गए, तो आपको डायरेक्ट उनको कुछ भी खाने को दे दीजिए, दाल रखी, दाल चावल दे दो, रोटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं करना होता है। वो डिफ्रेंसिएशन होता है कि जैसा भी है डिफ्रेंशिएट कर दो। लेकिन अगर जीजा जी आ गए और नए नए जीजा जी हैं, उन्हें खाना तो खिलाना है आपको, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, नई वाली प्लेट निकालनी पड़ेगी और नया वाला चदरा बैठाने के लिए, और ये मार रेंटेन, तो वो तब खाना खाने बैठेंगे, यानी खाना खाने लायक एक माहौल बनाना पड़ेगा। तो इंटीग्रल में खास बात है कि इसको इंटीग्रेबल करना पड़ता है, ये दिक्कत यहां पर है। ठीक है, मैं टेन एक्स का इंटीग्रल करने जा रहा हूं, सावधान ये फार्मूले भी हैं। ठीक है, देखिए आपको इंटीग्रेट करना है, पहला फार्मूला हम लेके चल रहे हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स, नंबरिंग क्यों दे रहे हो, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स, जरा समझिएगा। देखो टेन एक्स का इंटीग्रल तो होता नहीं, अब आप कहेंगे सब अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में आपने बताया था कि टेन स्क्वायर था तो वहां सेक स्क्वायर किया था, भाई टेन एक्स में सेक स्क्वायर नहीं हो सकता ना, रूट के अंदर आ जाएगा, और रूट के अंदर तो और दिक्कत है। देखो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स। देखिए हमारे पास जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है वन अपान एक्स, इसका इंटीग्रल हमने पढ़ा है लॉग एक्स टू बेस ई, केवल डिनोमिनेटर में वन अपान एक्स ही है जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, अदरवाइज इनवर्स वगैरह भी हमारे पास है। तो यहां पर अपान में दिक्कत कर रहा है कॉज एक्स, क्योंकि अगर एक कॉज एक्स अपान में ना होता तो हम साइन एक्स का इंटीग्रल कर देते, तो आप कॉज एक्स को टी मान लीजिए, जो दिक्कत करे उसको टी मान लीजिए। अभी हम बता चुके हैं आपको, हमने कॉज एक्स को टी मान लिया, लेट कॉज एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब कॉज एक्स को टी मानेंगे तो ये तो टी हो जाएगा, लेकिन जब आप कोई चीज टी मान लेते हैं तो आपके एक्स के फंक्शन को टी के फंक्शन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अभी हम बता चुके हैं कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और जहां एक्स के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करिए वहां क्या लिख दीजिए, डीएक्स, और टी की क्या कर दोगे, डीटी। तो जहां डीएक्स है वहां क्या लिखोगे, डीटी अपान माइनस का साइन एक्स। ठीक है, रख दो यहां उठा करके, फिर समझिएगा, चूंकि डिनोमिनेटर दिक्कत कर रहा था इसलिए हमने उसको टी माना। फिर नियम यह होता है टी मानने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और वहां से डीएक्स का मान निकालते हैं, रख दो यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमने कुछ माना नहीं, तो ऊपर साइन एक्स ऐसे लिखा रहेगा, कॉज एक्स को हमने टी माना है, और ये हो जाएगा डी टी अपान माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स साइन एक्स कट गया, हमने अभी कहा कि अल्टीमेटली पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर ये साइन एक्स कटता ना तो हम मान नहीं सकते थे, कट रहा था, हमको मालूम था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स, सॉरी कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन साइन होता है और साइन प्रेजेंट है, इसलिए हम कॉज को टी मान रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या बचा, माइनस बाहर कर दो, ये बचा वन अपान टी डी टी, माइनस वन अपान टी का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, टी का मान रख दो, तो माइनस लॉग सेक एक्स कॉज एक्स प्लस सी। तो टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस लॉग कॉज एक्स, सी से कोई मतलब नहीं है, सी तो प्लस में किया जाता है, तो टेन एक्स का इंटीग्रल आ गया आपका माइनस का लॉग कॉज एक्स। ठीक है, एक चीज और इसको लिख सकते हैं, अगर मैं माइनस लॉग कॉज एक्स बताया ना, अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहूं तो माइनस इसके पूरे पावर में आ जाएगा और ये वन अपान कॉज एक्स हो जाएगा और सेक एक्स होता है, तो ये एक इंटीग्रल होगा लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो टेन एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस लॉग कॉज एक्स या लॉग सेक एक्स, ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको केवल टेन एक्स का पूछेंगे तो आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा, अगर कहीं और कोई क्वेश्चन होगा तो वहां पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेन एक्स का मतलब होता है टेन एक्स ही होना चाहिए, एक्स ओनली एक्स,
अगर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है तो वहां पर छूट है आपको कि वन अपान ए बाहर कर दीजिए, ठीक है। क्यों कर दीजिए अभी हम बता चुके हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये टेन एक्स का इंटीग्रल हो गया। अब बात करते हैं कॉट एक्स का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं कॉट एक्स का इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, अब आप कहेंगे भाई कॉट एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रल हमको नहीं मालूम, तो इसको लिख सकते हैं कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। दिक्कत कर रहा है डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में इंटीग्रल के फॉर्मूले नहीं होते, तो आप साइन एक्स को टी मानेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ये फेयर वर्क है, इसको आप आई भी मान लो। तो जब इसको टी मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए डिफ्रेंशिएट तो हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे इसको टी मानेंगे वैसे मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। आप कहेंगे कॉज एक्स ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि आपका काम हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करो, साइन एक्स क्या हो गया कॉज एक्स, इसके साथ क्या लिखेंगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी डी टी अपान कॉज एक्स, रख दो। सो आई इज इक्वल टू इंट्रीगल, ये कॉज एक्स को तो कुछ आपने माना नहीं था, वो बाद में कटेगा, इसको टी माना था और डी एक्स हो गया डी टी अपान कॉज एक्स, कॉज एक्स कट गया, ये आ गया वन अपान टी डी टी, वन अपान टी का इंटीग्रल क्या होता है लॉग टी प्लस सी, तो लॉग टी का मान क्या है साइन एक्स प्लस सी, तो कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग साइन एक्स। टेन एक्स के दो होते हैं क्योंकि टेन में माइनस आया हुआ था, तो ये कॉट एक्स का इंटीग्रल हो गया। अब बात करते हैं सेक एक्स का इंटीग्रल निकालने की। देखिए सेक एक्स का इंटीग्रल कैसे होता है, ये चूंकि डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होते, क्योंकि किसी फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने पर सेक एक्स नहीं आया हुआ है, इसलिए सेक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता। देखिए आई इज इक्वल टू सेक एक्स, यहां थोड़ा टेक्निक लगानी पड़ती है, हमने वही बताया ना कि इंटीग्रेबल करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रल लायक बनाना पड़ेगा, बहुत नालायक होता है। तो अब आप यहां एक टेक्निक लगा लीजिएगा, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दो और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे क्यों, अभी आप समझिएगा, काट मत दीजिएगा इसको दोबारा। देखिए ऊपर ब्रैकेट खोलिए, तो ऊपर sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस sec x इंटू tan x हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x dx, समझिए जरा ध्यान से। देखिए दिक्कत कर रहा है डिनोमिनेटर, ठीक है, अदरवाइज मैं इसको छुपा लेता तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल भी होता है sec x प्लस tan x का ही होता है, तो डिनोमिनेटर को t मानना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि डिनोमिनेटर को चैलेंज तो कर दिया, निकल बाहर t मान लिया, तो उस वो कहेगा तो निकल तो हम बाहर आए, अब मेरा डिफ्रेंसिएशन कहां है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो sec x का sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x प्रेजेंट है, इसलिए इसको t मान सकते हैं। मान लीजिए लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x का क्या हो जाएगा sec x का हो जाएगा sec x tan x प्लस tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अगर डायरेक्ट भी आप देखें कि sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx पूरा ऊपर की चीज dt लिखी हुई है, या आप चाहें तो यहां से dt निकाल लें, dt इज इक्वल टू क्या निकलेगा सॉरी dx इज इक्वल टू क्या निकलेगा dt अपान sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, रख दो आप। सो I इज इक्वल टू, देखिए ये तो कुछ आपने माना नहीं है, इसको लिखा रहने दो, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, ये ऊपर लिखा हुआ है अपान t, और इसको आपने क्या लिखा है dt अपान sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, ये देखिए कट गया पूरा, तो ये क्या बचा वन अपान t dt log t प्लस सी, टी का मान रख दो, तो लॉग सेक एक्स प्लस
टैन एक्स, तो ये आपका सेक एक्स का इंटीग्रल होता है, ठीक है। इसके बाद अगला इंटीग्रल है कॉसेक एक्स का, ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे फार्मूले, एज ए फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, और जब केवल सेक एक्स का आएगा तो इसको ड्राइव भी करना पड़ेगा, प्रूफ भी करके आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए कॉसेक एक्स कैसे करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉसेक एक्स डीएक्स, क्योंकि किसी फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स नहीं होता, इसलिए कॉसेक एक्स किसी का फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे, कॉसेक एक्स में हम कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब डिवाइड तो डिनोमिनेटर में ही करते हैं, मतलब डिवाइड कर देंगे। देखिए जब ऊपर का ब्रैकेट खोलो तो ये क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये न्यूमरेटर हो गया, अपान कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डीएक्स। देखिए ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर को टी माने तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्रेजेंट है, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा प्लस, ये भी प्रेजेंट है। तो पूरे डिनोमिनेटर को टी मान लीजिए, हमने क्या माना, लेट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। अभी हमने क्या कहा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो कॉसेक एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। तो यहां से डीएक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, डीटी अपान, इसको जरा उल्टा लिख दीजिए, पहले कॉसेक स्क्वायर एक्स कर दीजिए, प्लस में लिखा हुआ है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, रख दो उठा गया यहां पर। सो आई इज इक्वल टू, सो आई इज इक्वल टू आएगा, ऊपर तो कुछ हमने माना नहीं है, तो ऊपर लिखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, नीचे हमने क्या माना है टी, और ये हो जाएगा डी टी अपान, ये पूरा लिख दिया जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया, वन अपान टी डी टी, और वन अपान टी का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, टी का मान रख दो, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये इंटीग्रल हो गया कॉसेक एक्स का, ठीक है। तो ये चार इंटीग्रल हैं, लेकिन कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का एक और इंटीग्रल होता है, तो उसे भी समझ ले और याद भी कर ले, क्योंकि कहीं कहीं वो दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। देखिए जैसे कॉसेक एक्स का इंटीग्रल करना है, आई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, अब यहां टेक्निक लगानी पड़ेगी। देखिए कॉसेक एक्स को चाहे तो वन अपान साइन एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत जी, लिख सकते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और चूंकि यहां एक्स है थीटा, तो इसको टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिखा जा सकता है, ठीक है। ये कॉस जो है ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक, तो ये सेक एक्स बाई टू हो गया, और नीचे हो गया टू साइन एक्स बाई टू। देखिए हम जानते हैं कि अगर टेन एक्स हमारे पास कहीं से आ जाए तो टेन एक्स आने से उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए नीचे आपने क्या किया है, कॉस से डिवाइड किया है, ये तो टू लिखा ही हुआ है, जब कॉस से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, ये टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, और जो कॉस से मल्टीप्लाई करोगे ये ऊपर जाके सेक में हो जाएगा, और एक सेक एक्स बाई टू पहले से लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू,
नहीं बन जाएगा। डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्लियर, जो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब मैं टेन एक्स बाई टू को टी मानता हूं, लेट टेन एक्स बाई टू को टी माना, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स बराबर डी टी, ये डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है। तो डीएक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 डी टी अपान सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, रखो यहां पर। सो आई इज इक्वल टू, देखिए इसको तो छेड़िए नहीं, ये है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे 2 है, इसको टी माना है, ये आएगा डी टी अपान 2 डी टी अपान सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर कट गया, 2 कट गया, ये क्या आ गया 1 अपान टी डी टी, 1 अपान टी का इंटीग्रल क्या होता है लॉग टी, लॉग टी प्लस सी, टी का मान रख दो, तो लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये कॉसेक एक्स का एक और इंटीग्रल आ गया लॉग टेन एक्स बाई टू, ठीक है। इसी प्रकार से सेक एक्स का भी एक इंटीग्रल होता है, जरा समझिएगा, देखिए एक सेक एक्स का इंटीग्रल होता है कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। कॉसेक आप जानते हैं, हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि एक्स की जगह अगर ए एक्स प्लस बी है तो आप उसको एक्स मान सकते हैं। यहां पर देखो ए एक्स प्लस बी के हिसाब से एक्स का कोफिशियंट 1 है, तो इसको पूरे को एक्स मानिए, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग टेन एक्स बाई टू, तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला लीजिएगा लॉग टेन एक्स बाई टू, मतलब ये एक्स, तो यानी पाई बाई टू प्लस एक्स और बाई टू, इस प्रकार से इसको लिख देंगे और प्लस सी रहेगा, इसको अंदर ले जाओ तो आएगा लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी, तो ये आपका कॉसेक एक्स का इंटीग्रल हो गया। तो इस प्रकार से आपको टेन कॉट सेक कॉसेक के इंटीग्रल बताए गए। एक बार मैं ब्रीफली इसको लिख देता हूं एक साथ कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं इसमें, इन्हें आपको एज ए फॉर्मूले भी याद करना पड़ेगा। और देखिए इंटीग्रल टेन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, हमने कहा माइनस लॉग कॉज एक्स भी होता है प्लस सी, या लॉग सेक एक्स भी हो सकता है प्लस सी। दूसरा हमने क्या बताया, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। अगर आप प्लस सी नहीं लिखते हैं फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला है लेकिन क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमने कहा अगर सेक एक्स का इंटीग्रल आप करेंगे तो एक तो होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और दूसरा हमने बताया है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। अभी हम प्रूफ कर चुके हैं इसको, प्लस सी रहेगा उसमें, लिख दीजिए प्लस सी प्लस सी। उसी प्रकार से अगला है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रल एक तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या दूसरा अभी हमने बताया लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये चार फार्मूले हमने प्रूव करे। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बेस्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की आपकी अगली एक्सरसाइज है 7.2, दैट आई विल डिस्कस। ओके, थैंक यू।